अच्छा, आपका नाम क्या है? श्रीपाल खत्री। अच्छा, तो खत्री साहब आप यहाँ किस पद पर हो? हम प्रधान हैं जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या व्यवस्था देखते हो? हम यह बात है जी, मेले की और जो हमारा जो काम चल रहा है, इसके सदर अधिकारी इसमें चल रहे हैं दोनों, हमारे ये भाई साहब कैशियर हैं। अच्छा, और हमारे माँ गोलिया हमारे अभी आ रहे हैं। अच्छा, ये है। तो आप यहाँ के जो आने वाले श्रद्धालु हैं, ये कितने दिन से यहाँ पर मेला भरता है या व्यवस्था कितने दिन से चल? ये हजारों साल पुराना मंदिर है जी। अच्छा, ये यहाँ जब से मेला भरता है, जब हमने 2014 में कमेटी रजिस्टर्ड करवाई थी, जब इसे हम यह बात अपनी सेवा मन रहे हैं, और हमारी बहुत पुरानी मान्यता है यहाँ। जो हमारी एक दादी थी, सरदादा की माँ थी। अच्छा, जिसका नाम था दानो। अच्छा, ये इस दादा की बहुत बड़ी भगतनी थी। अच्छा, ये काफी साल हो गए ये जोत रोज लगाने आया करती शाम के टाइम। अच्छा, और ये आध घंटे मतलब उल्टी जा ले आ करती है। वाह, बहुत तगड़ी भगतनी थी। हाँ, ये चोरों ने लूट ली थी गंदे नाले पर, छलम ड्रेन पे। अच्छा, और वहाँ दादा ने की ऐसी शक्ति हुई, ये चोर अंधे करके बैठा दिए उत्तरा, और जब वापिस गई तो इनकी आँख खोल दी, ये पाँव में पड़न लगे, बोले आपकी टूम है, गलती हो गई हमारे से। ये बोली हमारी कोई टूम नहीं है। हाँ, ये बोले नहीं, ये पाँव में पड़ के ने उल्टी टूम दे दी। दादा ने पुकार करी, बेटी या तू रोज मत आकर, बोल इसको इज्जत होगी ना। बोली नहीं, मैं तो यह बात है कति ने रोज आऊंगी, चाहे मेरी गर्दन उड़ती हो तो बेशक चाहे, मैं घबराऊ नहीं। ये फिर जब इसे हमारी मान है यहाँ से, ये जो हमारी दादी का नाम दानो है, अच्छा, दानो देवी कहते हैं, और इसकी आगे यह बात है जो दादा ने चाहिए तो मड़ी बनाए। आपकी संस्था का पूरा नाम बताइए। हमारी संस्था का नाम है जय दादा बाला सैयद राजलू गड्डी सोनीपत। धन्यवाद जी। भाई साहब आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह जी। अच्छा सुरेंद्र जी, यहाँ आप क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हो? सलाहकार है जी, सलाहकार। अच्छा, बाकी सेवक है हम, सलाहकार तो वैसे हैं, बाकी सेवक है हम यहाँ के। अच्छा, तो आपकी संस्था का नाम क्या है? जय दादा बाला सैयद सेवा समिति राजलू गड्डी सोनी। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के अनुभव आप हमारे को बताओ, जो कभी आपसे चर्चा करते हो, यहाँ जो आते हैं माथा टेकते हैं, तो उनका कैसा अनुभव? उनका बहुत अच्छा अनुभव है जी, जो कि लोग बहुत बुजुर्ग कहते थे, पहले यहाँ कुश्ती बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियाँ हो जाया करती, बहुत बड़ा मेला भरा कर था। अच्छा जी, बीच में ये तोड़वा दिया गया था, ये दोबारा से फिर शुरू हो गया है यहाँ, लेकिन कुश्ती तो कराते नहीं, बाकी और मेला अच्छी तरह से भरने लग गया है। और पहले तो कुछ भी नहीं था, तो बिल्डिंग भी और रोड भी बहुत सुविधा हो चुकी है। हाँ, देख रहे थे पहले जो आपका जो काफी आपने इसके अंदर सुधार किया है, तो ये जो व्यवस्था जो कर रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था पहले मजार काफी भीड़ी थी। हाँ जी। अब ये काफी जो है खुला खुला कर दिया है। हाँ, अब उतना रश नहीं होता, लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा हो रही है, ये बड़ा एक खास देखने को मिल रहा है। ये किया कैसे भाई? जगह तो उतनी ही है, लेकिन आपने बड़ा खुला खुला कर दिया। ये आप लोगों की दादा की दया है जी, इन्होंने कराया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इनका तो इसके खर्चे की व्यवस्था कैसे करते हो? ऐसा जी, आप लोगों का सहयोग है, कोई पर्ची कटा लेते हैं। अच्छा, उसके हिसाब से जितना एडजस्टमेंट होता है। हाँ, पूरी दिवाली पर उसके हिसाब से हम खर्चा पानी करते रहते हैं यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके और साथी कौन कौन है यहाँ पर? मलिक साहब हैं जी। क्या नाम है मलिक साहब का? नाम क्या है? ओम प्रकाश मलिक साहब। ओम प्रकाश मलिक जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की जानकारी दी हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण के माध्यम से, और लोगों तक आपका जो संदेश पहुंच रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो बाला सैयद का नाम नेम एंड फेम जो है वो बहुत ऊंचा है, लोगों की बड़ी मान्यता है। आसपास के कौन कौन से गाँव से यहाँ पर आते हैं सुरेंद्र जी? राजलू के डी कामी बुर्री ललेडी और खास बहुत दूर दूर से सेवक आते हैं राजपुर। अच्छा अच्छा, बॉम्बे तक के यहाँ भगत
वाह सरदार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपका नाम क्या है भाई साहब? सर मेरा नाम राकेश है। अच्छा राकेश जी, हमें यहाँ के बारे में यदि कोई आपका अनुभव है तो वो जानकारी दें, इस जगह का नाम भी बोलें। ये हमारे दादा बाला सैयद है जी। हाँ जी। और हमारी यहाँ रजिस्टर्ड बॉडी है दादा बाला सैयद सेवा समिति नाम से। अच्छा। और सभी भगत लोग यहाँ मुराद पूरी होती है, जो भी भगत आते हैं दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हमारे पांचों गाँव की यहाँ मांग है और जो भी हम मनोकामना मांगते हैं हमारी पूरी होती है। बहुत सुंदर, तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जो है ना यहाँ आने वाली जो व्यवस्था बड़ी सुंदर कर रखी है, कोई भीड़ नहीं, कोई भड़का नहीं, आपने जो है पूरी की पूरी जो है कोरोना काल के अंदर भी लोगों के ऊपर आपने ऐसा कंट्रोल कैसे किया है? ऐसा सर कुछ प्रशासन की मदद से, कुछ हमारी कमेटी की तरफ से। हाँ जी, सभी ने अपना अपना काम ले रखा है यहाँ पे, वही अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये है श्रद्धा भक्ति का केंद्र और जहाँ पर जो है मान्यता के साथ साथ में मर्यादाओं को भी बनाए रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बातचीत की। जय हिंद जी। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश मलिक जी। कहाँ से आते हो आप? लेड़ी गांव से। ये यहाँ जो खड़े इस जगह का नाम बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। बताओ साहब। इसका नाम है दादा बाला सैयद। अच्छा, तो आपके परिवार की मान्यता है क्या यहाँ पर? पूरी तगड़ी। क्या आप मान्यता क्यों मानते हैं आप इसको? हम इसलिए मानते हैं, जब हम छोटे ऐसे थे तो यहाँ पर कुश्ती का दंगल लग गया करता, पूरा मेला भरा करता। अच्छा। जब हम पढ़ते थे तो यहाँ पर तो इतना हिसाब किताब था, हाथ का हाथ आदमी मार दे तो आदमी पा नहीं सकता, फिर इतना तगड़ा मेला भरा करता मेरे टाइम। मतलब इतनी ज्यादा श्रद्धा थी लोगों की। हाँ, बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, शुक्रिया। अच्छा, 1963 में आप पढ़ते थे? हाँ जी। जब यहाँ ईंट भी नहीं छोड़ी थी। अच्छा। वो स्कूल में ले गया था। हाँ। तो इसलिए उसके बाद ये गवर्नमेंट स्कूल हो गया। गवर्नमेंट स्कूल होने के बाद फिर इसकी मान्यता होने के कारण दोबारा फिर इसी की वजह से ये तैयार हुआ है। इसकी मान्यता बहुत तगड़ी है, इसलिए तैयार अपने आप ही हो गया करिए। अच्छा, तो ये दोबारा से जो है इसकी पुनर्स्थापना की गई? हाँ, दोबारा स्थापना इसलिए की गई क्योंकि लोगों की बहसों। अच्छा, इसकी कोई कहानी जानते हैं क्या आप इसके बारे में? हाँ, जो है पुरानी कहानी। हाँ, हो कोई? ये जो सैयद बना, ये गदरों के टाइम में ये जो दादा सैयद है ये महाराष्ट्र का था। अच्छा। ये इस जगह पर गदर के अंदर शहीद हुआ, ये एक यहाँ हुआ, 5 शहीद हुए थे ये। एक वाला हमारा लेडी हो रहा है, एक वहाँ सोनीपत के पास हो रहा है, ये 5 सैयद हुए थे। अच्छा। उनकी जगह 500 की बनाई हुई है। अच्छा। उसी टाइम से, क्योंकि ये गदरों के टाइम की बहुत पुरानी बात, 1857 की बात है। अच्छा, 1857 की बात है, ठीक। जब ये गदर हुआ था एक। अच्छा। हाँ, उस टाइम से ये जो है ना इनकी मान्यता प्राप्त, आजादी के लिए लड़ने वाले आदमी थे ये। अच्छा, अपने आप को आजादी के लिए समर्पित करने वाले एक अक्रम योद्धा थे और आज उनकी मान्यता यहाँ पर आते हैं, लोग माथा टेकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पूजा पाठ का क्या तरीका क्या है? पूजा पाठ का ये तरीका है कि यहाँ की वो बना रखी पीर सौदा, पीर सिस्टम। अच्छा। उस पर कोई चद्दर चढ़ाओ, ठीक, या प्रसाद चढ़ाओ या जोत लगाओ, वो उनका काम है। जी जी, आने वाले का। हाँ हाँ, वो किस तरह से श्रद्धा सम्मान करता है वो प्रोग्राम उसका है। अच्छा, चद्दर चढ़ती है, प्रसाद चढ़ा जाए। क्या नाम है आपका? राजू। कितने दिन से आते हो यहाँ पर? हमें हो गए कम से कम 60-70 साल, 80 साल बल्कि। अच्छा, तो यहाँ के बारे में कुछ जानते हो? हाँ। क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक है। नहीं, यहाँ पर जो मान्यता वगैरह है, ये जो मेला लगता है। हाँ, किसके ऊपर है? पीर बाबा का। अच्छा अच्छा। हाँ, आप कहाँ से आते हो? सोनीपत से। सोनीपत से आते हो? हाँ। तो आप भी पूजा वगैरह के लिए जाते हो क्या? हाँ, पूजा करने आते हैं और झूला चला जा। तो आपकी मान्यता है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ की मान्यता क्या है? जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजू। राजू, कहाँ से हो आप? सोनीपत से। सोनीपत से। कितनी उम्र होगी आपकी? बतेरी हो रही है, 60-70 साल। 70 साल। अच्छा, तो आप खुद ही अपनी कमाई करते हो हैं? और क्या करें, कोई बच्चे तो पीने खाने वाले हैं, क्या करें बेटा। चलो ठीक।